गई है ट्रेन और जैसे कि आप देख सकते हो हम लोग लोअर में सो वेलकम बैक टू माय चैनल अनदर व्लॉग। और आज है नया दिन और नया ट्रैवल व्लॉग आप सबके लिए। सो इस समय मैं हूँ बैंगलोर स्टेशन पे, केआरपुरम स्टेशन पे, और यहाँ से मैं जा रहा हूँ कोयम्बटूर। सो प्लान ये है कि हम लोग जा रहे हैं ईशा फाउंडेशन आदि योगी, जो आप लोगों ने देखा होगा बड़े शिव जी, तो वहाँ पर जा रहे हैं। तो हम लोग जा रहे हैं ट्रेन से, हम लोग यानी मैं हूँ, प्रेरणा है और काजल है। मेरा भाई आएगा रात को क्योंकि उसका ऑफिस था तो उसे लीव नहीं मिली, तो वो रात को ट्रैवल करके बाय बस वहाँ पे पहुँच जाएगा। पहले हम लोग रोड जर्नी करने वाले थे लेकिन थोड़ा बीच में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आता है और साथ में लड़की है तो सेफ़ नहीं है रात को ट्रैवल करना, तो इसलिए सोचा बेटर है हम ट्रेन से जाए। सो ये ट्रेन का एक्सपीरियंस अलग होने वाला है क्योंकि ये डबल डेकर ट्रेन है जो कि मैं खुद पहली बार जाने वाला हूँ, तो वो सब जर्नी आपको आगे दिखाते हैं रास्ते में क्या होता है। तो अभी टाइम हो रहा है दोपहर के 2:20 और 2:30 बजे की ट्रेन है, अभी बस 5-10 मिनट में ट्रेन आएगी, फिर आपको आगे के सीन्स दिखाते हैं। तो ये सारे डबल डेकर है, कितनी बड़ी है भाई ट्रेन। ओ माय गॉड, क्या है ये, इंडिया लगी नहीं रहा। सो गाइस फाइनली हमारी ट्रेन आ गई है और अभी चलते हैं इसमें। सो हमारी सीट्स हैं लोअर वाली। गाइस फाइनली ट्रेन के अंदर घुसते हुए, ऐसे कुछ ट्रेन है। सो ये डबल डेकर है, ऊपर भी सीट्स है और हमारे नीचे है। गाइस ऐसे कुछ सीट्स है और जैसे कि देख सकते हो डबल डेकर, और ये हमारा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस, ठीक है, तो काफ़ी मज़ा आने वाला है ये जर्नी में एकदम। और अगर आप देखोगे तो स्टेशन यहाँ से कितना नीचे दिख रहा है, यहाँ पे स्टेशन है। 1 घंटे की जर्नी है, अराउंड 350-400 किलोमीटर्स है कोयम्बटूर बेंगलुरु से, ठीक है। तो अभी टाइम हो रहा है 2:30 बजे और हम लोग पहुँचेंगे 9:30 बजे तक। सो गाइस चल गई ये ट्रेन और जैसे कि आप देख सकते हो हम लोग लोअर में नीचे, तो यहाँ पे स्टेशन काफ़ी नीचे। सो 1 घंटा हो गया ट्रेन चलते हुए और अभी टाइम हो रहा 3:30 दोपहर का, लंच का टाइम तो हो गया। तो लंच कर रहे, घर से लेकर आए थे वेज बिरयानी, भी लंच करते हैं और फिर आप लोगों से आगे मिलते हैं। सो अभी स्टेशन आया था एक सलम जंक्शन एंड काफ़ी अच्छा मौसम हो गया था, मैं तो सो गया था और जस्ट अभी ट्रेन निकली है, यही सबसे बड़ा स्टेशन था अभी। एंड काफ़ी अच्छे व्यू थे बाकी रास्ते में, तो बाकी काफ़ी मज़ा आ रहा है ट्रेन जर्नी में, ठीक है। बाकी आप लोगों से आगे मिलते हैं। साउथ के रास्ते काफ़ी प्यारे रहते हैं। यहाँ पे ऑफिस भी चल रहा है क्योंकि आज वीक डे और हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं, अपना तो लॉग आउट कर दिया यहाँ पे काजल और व्लॉगर्स की लाइफ। हम लोग एक्सटेंशन बोर्ड भी कैरी कर रहे हैं तो काफ़ी आप लोग एक्स्ट्रा मल्टीपल फीचर्स लगा सकते हो, ठीक है। काफ़ी मज़ा आ रहा है अब तक ट्रेन जर्नी में, काफ़ी अच्छा मौसम हुआ है यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे मानसून चालू हो गया साउथ में, और अभी टाइम हो रहा है 6 बज रहे शाम के, तो मस्त सनसेट हो गया है और काफ़ी ठंडा मौसम और इतने अच्छे सीनरीज व्यूज़ आ रहे हैं, छोटे लेक्स
आ रहे हैं, रिवर्स आ रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग 9 बजे तक पहुंचेंगे और ये ट्रेन 4 या 5 स्टॉप ही है इसके कोयम्बटूर से, कोयम्बटूर तक बेंगलुरु से। एंड अच्छी ट्रेन है, रेगुलर है, वेनसडे को नहीं है, बाकी रेगुलर ये टाइम पे 2:32 बेंगलुरु से निकलती है और 9 बजे कोयम्बटूर पहुँचती है। और आने के टाइम अभी ये ट्रेन है सुबह अर्ली मॉर्निंग 5 बजे और दोपहर को 12:30 बजे तक आप पहुँच जाते हो। तो गाइस अभी स्टेशन आया है, एंड रोड करके कुछ नाम है और टाइम हो रहा है 7 बज रहे शाम के, और 2 घंटे लगेंगे ट्रेन को पहुंचने के लिए कोयम्बटूर जंक्शन। और होटल बुक कर दिया है तो लेट्स सी, अभी कुछ ज़्यादा इसमें कुछ खाने के लिए भी नहीं आ रहा है और मेरा लास्ट बोगी है तो काफ़ी दूर है सारे शॉप्स, है ना, तो ज़्यादा पास जा भी नहीं सकते, ठीक है। बाकी आई होप आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा, तो मज़ा आ रहा है तो ज़रूर उस वीडियो को लाइक कर देना अगर यहाँ तक देख ही लिया है। सो गाइस फाइनली पहुँच गए कोयम्बटूर और ट्रेन 15 मिनट पहले आ गई, सो अभी जा रहे हैं अपने होटल की तरफ। और तो ये है कोयम्बटूर जंक्शन और बाकी शहर के से कितना साफ़ सुथरा है स्टेशन, सब कुछ एकदम साफ़ सुथरा, और वहाँ पे पूरे रोज़ गार्डन के फ्लावर्स लगाए हुए। गाइज सो ये वीडियो को इतने रखते हैं, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। सो हम लोग कल रात को आ गए थे, होटल भी चेक इन कर लिया था, तो आज है day 2 और अभी निकल रहे हैं हम लोग कहीं पे, तो वो इसके अगले व्लॉग में आपको समझ जाएगा, ठीक है। तो ये वीडियो को इतने रखते हैं, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कर देना, नीचे कॉमेंट करके बताना आप लोग कैसा लगा, ठीक है। और अगर आप नए हो तो शेयर कर देना, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप नए हो, और बेल आइकन भी दबा देना ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं तो आप लोगों को पता चल जाए, क्योंकि अभी काफ़ी ट्रैवल होने वाला है हमारा, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, और यहाँ पे मेरा भाई भी सुबह सुबह आ गया था, और काजल ही प्रेरणा, तो हम लोग सब रेडी है अभी निकलने के लिए, ठीक है। तो अभी ये ख़त्म करूँगा और इसके बाद दूसरा ब्लॉग शुरू करूँगा, ओके। टिल देन दिस इज बाइकर मन साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय, चीयर्स। I hit the function, hit the rose right till I hiccup. I